आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने जमकर श्रोमणि अकाली दल और भाजपा के पंजाब नेतृत्व पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पंजाब में नशे के छठे दरिया के बहने के पीछे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर प्रहार करते हुए कहा कि जिसके इशारे पर नशा बिकता है वह बॉर्डर पर नशे के खिलाफ धरना लगाते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और नवजोत सिंह सिद्धू पर भी निशाना साधा है। पंजाब दे मसले सारे आम आदमी पार्टी ठाउंदी रही है, पंजाब तो ही सब तो बड़ा मैंडेट मिला, फिर पंजाब नूं इग्नोर किवें कर सकदे असीं। सो इस करके आम आदमी पार्टी इस गल तो भी धन्नवाद करदी है सारे सारे मुल्क दे विचों वलंटियर कि पंजाब ने ही ऑक्सीजन दे सिलेंडर दित्ते ने। सो इस करके पंजाब नूं किसी पक्ष तों असीं इग्नोर नहीं कर सकते और पंजाब की जनता बहुत उतावली है। जिस तरह का खुशियां मनाई गई शायद दिल्ली वाले ने घट मनाई ने, जिन्हें पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियों ने तो पंजाब वाले ने मनाई ने। सो पंजाब प्लैन बड़ी जल्दी तुहाडे सामने आ जूगा। असीं म्यूनसिपल तो असीं लड़ नहीं रहे क्योंकि फिलहाल मिशन विस्तार जिहड़ा रोकिया होया सी उहनूं करके असीं ढांचा बना लैणा। 70% साडा काम होया पिआ, 20-25% बस काम जदों हो गया असीं सारे पार्टी का जिहड़ा स्ट्रक्चर है दिल्ली के तर्ज ते उह बनावांगे। जिस तरह दिल्ली के विच बूथ इंचार्ज तो लैके पोलिंग स्टेशन इंचार्ज, उस तो बाद फिर कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज, फिर और सब तो छोटी एक कड़ी जी बूथ इंचार्ज है वह प्रधान नाल सीधा लिंक। 11,000 के नेड़े बूथ है दिल्ली, तो 11,000 जिहड़े साडे इंचार्ज ने उन्होंने उन्होंने अरविंद केजरीवाल का सीधा राबता रहा है। 5,000 दो शिफ्टां दे विच उन्होंने वो गल कर। देखो जी ऑलरेडी मैं पिछले सैशन जिहड़े दो होए ने कैंसर का मुद्दा, ड्रग का मुद्दा, पोल्यूटड वाटर का मुद्दा, किसानों दी खुदकुशियां का मुद्दा, तो हुण बिजली का मुद्दा कि गर्मी आ रही है, तो सब तो बड़ा जिहड़ा इत्थे जिहड़े माफिए बन गए, रेत माफिया, केबल माफिया, बस माफिया, हर गल का माफिया बन गया। सो इस करके पंजाब दे तां मेरे ख्याल च सारे मुल्क तो वध मसले पंजाब दे ने। अज की डेट च साडा बेरोज़गारी, साडा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, असी एजेंटां कोले 40-40 लाख रुपया चक्की फिरदे, मां दीआं वालियां वेच के, प्यो दीआं जमीनां वेच के कि सानूं इत्थों लै जाओ बाहर। उही पंजाब जिन्हें 90% कुरबानियां दित्तियां सी उहदी गणतंत्र दिवस च झाकी भी नहीं हैगी सी इस बार। सो इह जिहड़ा इस तरह का पंजाब नूं अखों परोखे किया जा रहा, पंजाब ने पूरे देश का ढिड भरिया। अज जे पंजाब कष्ट दे विच है तां पूरे देश वल देख रहा कि मैनूं शायद दोबारा पंजाब बनाउण च पूरा मुल्क। सुखबीर बादल होरां दीआं गल्लां नूं तां मेरे ख्याल च तुसीं हुण फ्रंट पेज ते ना ही लाया करो क्योंकि उत्थे गंभीर गल्लां हुंदियां ने। उहदा कॉमेडी वाला जिहड़ा मेरे ख्याल च अज दी डेट च तां जल बसां चलाउंदे ने, धरने दिंदे ने नशे विरुद्ध, यह तो सारे जग जाहर है। नशे बिकते जिहदे आर्डर से उही धरने देंदे बार्डर से। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जी, ये मैं नहीं कहना, जगदीश भोला कहना जी, तो सारी दुनिया के दिल च है। नहीं नहीं मैं लुकाउंदे नहीं, असीं इत्थों इन्हां दी मानसिकता पता लगती है, शायद दिल्ली च सानू फायदा हो जूगा। बिक्रमजीत मजीठिया रजौरी गार्डन के इंचार्ज से, 70 दे 70 विधानसभा गया जी मैं, 69 दे विच कोई अद्धी प्रॉब्लम नहीं सी। एक रजौरी गार्डन दे विच सी कि नशे वंडदे ने जी, कंबल वंडदे ने जी, कुकर वंडदे ने जी, पैसे वंडदे ने जी, लालच दिंदे ने जी, धमकियां दिंदे ने जी कि थोड़े पंजाब दे रिश्तेदारां ते कि असीं परचे दर्ज करा लांगे। अकाली दल जिवें लड़दा है, अकाली दल उवें जिवें लड़िया, और बिक्रमजीत मजीठिया की जिहड़ी बयान सीगा कि असीं जमानत जब्त करा देंगे, मैं उहनूं बिल्कुल सही कहना, बिक्रमजीत मजीठिया नूं जमानत जब्त कराउण दा तजर्बा हैगा, पहला जेतली साहब की करा के भेजिए तो हम उतो सरसे की करा दे। नहीं साड़ी पार्टी वालों किसी चोन साढ़े चोन शान से नहीं लड़ सकता कोई, साढ़े चोन शान रजिस्टर्ड है। तो हाँ हो सकता साडा कोई वलंटीयर लड़दा हो, असी कहने चंगे बंद वोट पाउण की असी अपील करा, क्योंकि मुहला लैवल का इलैक्शन है ये। सो इस करके ये ज़्यादा व्डे उपर उपरे लैवल तो लीडर वधिया गल है जी, मैनू कलाकार मान लो, कोई कोई पत्रकार है, कोई कलाकार है, असी तो सारे नॉन पोलीटिकल बैकग्राउंड तो आए हैं, वधिया गल है जी। नेता जिहड़े नेता बने ने उन्होंने इसे यही तो असी रीत तोड़ना आ। इंडिया का पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आपके कोई अहुदा नहीं रखा जी, कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा कि मैं सुपरवाइज करूँगा जी। जी बिल्कुल साड़ी पार्टी के जिहड़ा क्राइटेरिया देखने का तरीका है कि सब तो पहले तो एप्लीकेशन मंगी जांदियां ने जिहड़े चाहवान ने, फिर उन्हां दा जिहड़ा विजन देखा जाता है, उन्हां दा बैकग्राउंड चैक की जाती है, उन्होंने नाल इंटरव्यू होंदी है, फिर शॉर्ट लिस्ट करके जिहड़ी उन्हूं क्रॉस चैक किया जाता है, हो सकता उन्हें कुछ छुपा लिया होवे, लोगों तो वलंटियरों तो भी पूछ लिया जाता है, फिर उस तो बाद PAC जिहड़ी है वह फाइनल कर दी। असीं दिल्ली के भी 70 जिहड़े कैंडीडेट इसे तरह लिया। देखो जी जिहड़ा जिहड़े रूल है रेगुलेशन ने
विधानसभा के विच जाण दे पत्रकारां दे पास बनाउण दे उह दुबारा कार्ड बणनगे सारे। सो इस तरह का कोई ऐसी गल नहीं कि मीडिया ने तो साडी पार्टी जिहड़ी आ पिछली बार भी दिल्ली च मीडिया ने ही तो कवरेज कीती सी, पर साडा कोई इस तरह निजी किसी नाल नहीं इह हजे फाइनल तो नहीं है ना सारा कुछ, हौली हौली 5 साल ने सानू घंटिआं च ना गिणो कि 60 घंटे हो गए जी हुण तक की करता, 70 घंटे हो गए जी, 5 साल की सरकार है जी, बहुत सारे अहुदे होर भी ने सरकारां दे विच बंदे मुक जांदे जी अहुदे नहीं मुकदे, नहीं जी असी तो भारतीयता के नाते मनुखता के नाते असी पार्टी बनाई हुई है जी, असी कोटियां च नहीं पैंदे जी, एक जी नहीं मनुखता च हाँ फिर चार चार जितते भी नहीं करांगे जी, सत सत ही कर सकते हैं जी, जां तां फिर कोटा बधवा लो कि 20% कर दो, सो नहीं उही है ना जी जिन्ने परसेंट असी काम कर रहे, और ये गल ना देखो कि चेहरा की है बाहरों की है, ये गल देखो कि कल पहले घंटे जी मैं मौजूद सी मुख्यमंत्री दफ्तर च, पहले घंटे जी उन्होंने सब तो पहला फैसला किया 84 वाली फाइल लेके ते ये स्टेटस पता करो FIR दे की ने, ते इन्नी देर क्यों होगी, 8 महीने कुछ भी नहीं होया उहदा स्टेटस दसो, ते इमीजिएटली सब तो पहला फैसला ये सीगा। सो साडी पार्टी धर्म निरपक्ष पार्टी है, जिहड़ा फतवा दिता सीगा शाही इमाम ने ते उह भी असी अद्धे घंटे च रद्द करता सीगा, अदरवाइज़ कोई पार्टी रिस्क नहीं लैंदी, आपां क्यों लैणा, असी क्या सानू फतवे दे नाते वोट ना पाओ, सानू काम दे नाते साडे विजन दे नाते वोटां, उह कीता ना फिर पार्टी ने कीता ना, पार्टी डिसाइड करूगी ना भगवंत मान अपने वल्लों जां डॉक्टर दलजीत सिंह जां कोई होर कहिंदे वी मैं होऊंगा, असी तां सिपाही हाँ जी, मेरे लिए CM PM MP ये अहुदे बहुत छोटे ने क्योंकि 20 साल तो मैनू लोगों ने दिल सभा दे विच जगह दित्ती हुई है, पात्र साहब का शेयर है मैं राहां ते तुरदा नहीं मैं तुरदा हाँ तां राह बणदे, युगां युगां तो आउंदे काफले इस गल का गवाह बणदे, हमेशा सोचिया बणीए लोगों के प्यार के पात्र, कदे भी नहीं सोचिया आओ बणदे जां आ बणदे, जदों ये कह रहे हो कि चलो दिल्ली मोदी के साथ तो दिल्ली नहीं चली तो यदा मतलब उन्हां दी नीतियां सिर्फ शेख चिल्ली वाले सपने दिखाए ने, कोई बुलट ट्रेन दीआं गल्लां करके कदे 100 दिनां च काला धन लिआउण करके कदे हर गल तो यू टर्न होया, और इस करके लोगों ने जिहड़ा 8-9 महीनों का काम देख के आ जिहड़ा फतवा दिता है 67 out of 70 इन्हें तो इंटैलीजेंट बच्चे दे मैथ चो भी नहीं आते सारा पेपर सही करके, 6 महीने तक पूछ लियो क्योंकि ये प्रोसैस चल पिया, साढ़े को बहुत सारे लोग आ रहे हैं आप कि 5000 कैमरा मैं स्पोंसर करना जी, 1000 कैमरा मैं स्पोंसर करना जी, सो जदों तुसी क्लीन पॉलिटिक्स देती लोग आप गौरमेंटा चलाउण लग गए, देखो जी इसी दिल्ली का जिहड़ा सैंपल है वो असी पूरे देश को दिखाउणा है, असी सानू हजे 2 साल पए ने पंजाब च, दिल्ली दे विच कामयाबी नाल जे हो गया तो वाई नॉट इन पंजाब, पंजाब दे विच भी हो सकता, बिजली तो सेंटर पूल चों आउंदी है जी, फिर बिजली पंजाब कोल कित्थे है जी, पंजाब भी तो मुफ्त दे रहा, तो प्रधानमंत्री जी तो मतलब ये कहना कि जिन्हां कोल बिजली है नहीं वह वादे करी जांदे ने, तो प्रधानमंत्री जी तुसीं फिर बिजली कित्थों लियाओगे बुलट ट्रेन वास्ते, तो तुसीं फिर 100 दिनां च जिहड़ा काले धन दा कहिंदे सी उह किधर गए, सो इस करके BJP की जिहड़ी हार हुई है ये असल च ईमानदारी की जित हुई है, पारदर्शिता की जित हुई है, सच्चाई की जित हुई है, इन्हां वल्लों जिहड़े नैगेटिव कंपेनिंग की गई उसनू लोगों ने बुरी तरह नकार, जदों किसी के घर अग लगी होंदी है ना उदों लोहड़ी लगती है, जदों उही अग आपदे घर आउंदी उदों सेक लगता, तो जदों तां पंजाब दे धीआं पुत कुट्टे जांदे ने हर रोज़ उदों तो कोई चक्कर वाली गल नहीं, जदों ASI नू गोली मार दित्ती जांदी है शरम बाजार च उदों कोई चक्कर वाली, अमन कानून बिल्कुल ठीक है, जदों आपदे भाई ते गोली चलती है उदों कहिंदे जी औरंगजेब ने, तां सो इस करके जे औरंगजेब ने तां फिर उन्हां दे नाल क्यों ने, नाले तो सत्ता का सुख माणी जाते हैं, आही तो लोग कहते हैं कि भी एक पासा करो जी, सानू हुण दो पासे या 3 पासे ये राजनीति चली, साडी पार्टी के संविधान के जिहड़ा असी इलैक्शन कमिशन लिख के दिता है उहदे विच लिख के दिता है जी असी किसी भी पार्टी नाल गठजोड़ नहीं करांगे, जे कोई साडे विच मर्ज होना चाहुंदा है वह साडियां शर्तां ते तां असी उहदे बारे विचार कर सकते हैं, गठजोड़ वाली राजनीति ने ऑलरेडी देश का बहुत नुकसान किया, और लोगों ने भी हुण फैसला कर लिया कि फतवा देना तो एक पास ही देना है, BJP नूं 282 देती आम आदमी पार्टी को 67 देतीया, सो हुण आ जिहड़ा टुट भज वाली राजनीति है उह बचा, असी किसी नूं हराउण नहीं आए जी, असी लोगों नूं जिताउण आए, सो सानूं नहीं पता कि किहदी किन्ने परसेंट गई है, पर सानूं इन्ना पता है कि असी जो सच बोलिया उहनूं लोगों ने कुंडे खड़काए तो लोगों ने कुंडे खोले नहीं, पिछले 49 दिन की सरकार च SIT बनाई सी उहदा कल स्टेटस मंगिया, उदू बाद गौरमेंट ने की कीता उहदा स्टेटस मंगिया, और 30 साल तो जिहड़ा इह जख्मां ते नूण भुक रहे ने इहदा हुण बड़ी जल्दी हुण इक पासा आऊगा जी, आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है इस गल्ल।